जी जैन साहब बताएं सर कौन सा स्टॉक है आज? यस सर, वेरी गुड मॉर्निंग. फर्स्ट ऑफ ऑल अनिल जी, कल का स्टॉक तो 20% सर्किट पे बंद हुआ ही था, पैनासोनिक कार्बन, और अभी भी मुझे लगता है कि उसमें बहुत दमखम बाकी है. मैं अब वही स्टॉक्स अनिल जी चुन के लाने की कोशिश कर रहा हूं जो कि जून का क्वार्टर हो सकता है कि रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, क्योंकि एक चीज ये समझ में आ गई कि जून के क्वार्टर को मार्केट ने पूरा डिस्काउंट कर लिया कि ये खराब आने हैं और आएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. और उसी तर्ज पे एक बार मैंने वर्धमान टेक्सटाइल्स, जो शाम का इवनिंग शो होता है बाजार अगले हफ्ते फ्राइडे के दिन, मैंने दिया था 640.50 पर. उसके मंडे या ट्यूसडे को रिजल्ट्स आए थे, बहुत खराब रिजल्ट्स. और जब डिस्कशन हो रहा था जब रिजल्ट्स की एक्सरे में, तो खराब रिजल्ट्स तो देख सुन के मैं भी बहुत टेंशन में आ गया था. फिर कल देखा कि वो स्टॉक बहुत जबरदस्त चला और वो करीब 800 के लगभग आ गया. तो वो था वर्धमान टेक्सटाइल्स. तो वैसा ही एक स्टॉक, में जब भी वर्धमान टेक्सटाइल्स की बात याद आती है तो एक अंबिका कॉटन है, एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी. अनिल जी, अंबिका कॉटन सबसे बढ़िया बात है, अगर आप कभी भी टेक्सटाइल कंपनीज का नाम लोगे तो आपको डेट्स याद आते हैं, डेट इक्विटी रेशियो बहुत खराब होता है, मगर यहाँ पे बहुत कम है, बहुत छोटी कंपनी है. बट आप देखिए प्रॉफिट्स की बात अगर करें, 384 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी का अगर मैं बोलूं कि नेट प्रॉफिट्स अगर आपके 43 करोड़ है टीटीएम बेसिस पे, और हर साल 50 से 60 करोड़ रुपया कंटिन्यूअसली पिछले कई सालों से कमा रही है, और बेहतरीन रिजर्व्स है कंपनी के पास. उसके सामने आप देखिए, एक तो इक्विटी कोई बहुत बड़ी नहीं है और रिजर्व्स बहुत बढ़िया है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ा सा इंपैक्टेड हुआ बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट्स. तो ओवरऑल जो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आप देखें तो जो पी मल्टीपल है वो करीब 8 के लगभग है, फिर आपके डिविडेंड यील्ड है वो करीब 4.5 के लगभग है, और प्रोमोटर होल्डिंग 50% के लगभग है, और एफआईआईज की भी जो सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस आता है जब एफआईआईज की अगर होल्डिंग होती है तो 4.41 है और डीआईआईज की है 0.6. सो ओवरऑल जुलाई का क्वार्टर, जून का क्वार्टर भी अगर देखें तो जून के क्वार्टर में कोई बहुत खराब रिजल्ट आया ऐसा नहीं है. यहां पे भी बढ़िया ही है रिजल्ट, 5 करोड़ का पैट था और जनरली 10-11 करोड़ कंपनी कमाती है. सो ओवरऑल आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट द कंपनी. और सबसे बढ़िया बात है कोयम्बतूर की एक बहुत जानी मानी पुरानी कंपनी, कोयम्बतूर एक साउथ का बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल बेस है, 1988 से कार्यरत है, 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, और ऑर्गेनिक कॉटन जो कि आजकल बहुत इन है वहां भी यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन से ये रजिस्टर्ड है. सो ओवरऑल आई फील कि अंबिका कॉटन इज अ वेरी गुड बाय. ओवरऑल चला नहीं है और आराम से ये स्टॉक आने वाले कुछ दिनों में 770-790 के टारगेट्स अचीव कर सकता है. 52 वीक हाईज है करीब 960 के लगभग, तो मुझे लगता है कि और अभी ये 670-80 या 700 के लगभग होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया स्टॉक है, बिल्कुल इस स्टॉक को लिया जाए. और नीचे आए तो और एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, क्योंकि जो मार्केट कैप के सामने जो पैट का रेशियो है वो बहुत ही बेहतरीन है, मुझे बहुत माउथ वाटरिंग लग रहा है. और सबसे बढ़िया बात है जनरली टेक्सटाइल कंपनीज और थोड़ी 400 करोड़ 500 करोड़ के नीचे की कंपनियां होती तो गवर्नेंस के इश्यूज और ये सब डर लगने लगता है, बट यहां बिल्कुल भी नहीं है. आप देखिए डेटर डेज वगैरह देखिए, बहुत ही बेहतरीन है कंपनी के, तो ये सब चीजों से बहुत कॉन्फिडेंस आता है. सो आई फील वन शुड सर्टेनली बाय द स्टॉक. 650-700 का एक रेंज है जिसमें बिल्कुल बाय करना चाहिए. 670-80 तो आपके बोलते बोलते ये 750 हो गया, अभी 760 इस वक्त चल रहा है, हाई लगाया है 775 का. आइए बंसल जी से एक बार राय ले लूं. बंसल जी, अंबिका कॉटन क्या राय है आपकी? देखिए अनिल जी, राय तो पॉजिटिव है, चला नहीं है, चल सकता है, बट मैं जैन साहब से एक चीज पूछना चाहता हूं. जैन साहब, वंस अपॉन अ टाइम लगभग 8-10 साल पहले नारायण मूर्ति जी ने इस कंपनी में निवेश किया था, तो वो तो अपने आप में दर्शाता है कि कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है. तो आपसे समझना चाहता हूं और आप हाईलाइट करें क्या वो अभी भी निवेश करा हुआ है उन्होंने कि निकल गए हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो उस पर कुछ भी उस पर आप शायद रोशनी डालना भूल गए हैं, उसको भी थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए जैन साहब. मैं बिल्कुल, ये बहुत एडमिट दैट कि मैं इस चीज को मैं क्लैरिफाई नहीं कर पाया, और मुझे फिर भी ऐसा लगता है कि जो फंडामेंटल्स और जो टेक्निकल्स है इन सब को देखकर, और चूंकि ये मार्केट में चला नहीं है, पूरे मार्केट में पार्टिसिपेट नहीं किया, और कल जो टेक्सटाइल स्टॉक्स में चाल आई है और जिस तरीके का माहौल पिछले 7-8 दिनों में बना हुआ कैश मार्केट का, ये दिसंबर 2017 वाला माहौल बना हुआ, और जो अनिल जी की भाषा में साल में 15-20 दिन ऐसे आते हैं जब जम के काम करने वाले टाइम होते हैं, और ये वैसा टाइम है, तो इस टाइम पे जो चले हुए स्टॉक्स नहीं खूब चलते हैं. और ये जो आपने बात कही है इसके ऊपर मैं और ज्यादा रिसर्च और करके लाऊंगा, बट ये जरूर मुझे पता था कि मूर्ति जी का वो था, बट चूंकि कंफर्म नहीं था तो मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं छेड़ा था.
ओके परफेक्ट। तो ये है अंबिका कॉटन आपके लिए एक बेहतरीन मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनी। बंसल जी आपने तो इनको पूछा, मैंने जो पूछा उसका तो जवाब आपने दिया ही नहीं। इसके टारगेट तो बताओ चार्ट्स में देख के, आप तो मतलब